इंडेक्स फिंगर को थंब से टच करना है। कमर गर्दन ध्यान रखें, कमर गर्दन जितनी सीधी होगी उतना ही अच्छा होगा। क्या करना है, दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा हमने बनाई। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दो प्राणायाम मिलते जुलते हैं, एक में सांस को रोकना है और दूसरे में आपने अल्टरनेट ब्रीदिंग करनी है। अनुलोम विलोम में सिंपल हम करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रियल से इनहेल और राइट से एक्जेल, उसके बाद राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्जेल, यानी कि अल्टरनेट, बाएं से लिया सांस दाएं से बाहर छोड़ा और फिर दाएं से सांस ली बाएं से छोड़ा। अगर इसे हम सांस रोक के करें, यानी कि हमने बाएं से सांस ली और कुछ समय के लिए अंदर रोका और फिर दाएं से बाहर छोड़ा, कुंभक हम उसे कहते हैं, यानी कि सांस को रोकने की प्रक्रिया, और फिर बाहर सांस हमने दाई नासिका से छोड़ दी और कुछ देर बाहर रोक के रखी, प्रोसेस वही है लेकिन इसमें सांस को अंदर और बाहर रोकना है। पहले हम सिंपल अनुलोम विलोम करेंगे 5 राउंड और फिर उसके बाद नाड़ी शोधन, यानी कि नाड़ी शोधन में हमने कुंभक लगाना है, सांस को रोकनी है। आप दूसरे हाथ को ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं, दाहिने हाथ की हमने प्रणव मुद्रा बनाई, नासिका से सांस को बाहर छोड़ दिया और उसके बाद लंबा धीरे धीरे, और ध्यान रहे कि सांस आपने लंबा करना है और आवाज नहीं करनी है, और फिर उसके बाद दाहिने नासिका से फिर से आपने सांस को लेना है, ग्रहण करना है और बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ना है, और महसूस करें कि सांस आप अधिकतम रूप में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। 5 राउंड आपको करने हैं, आंखें बंद कर लें, अधिकतम रूप में आप महसूस करें प्राणायाम के अभ्यास को। प्रत्येक सांस आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा, एक दिव्य ऊर्जा को पहुंचाती है, और प्रश्वास आपके शरीर के समस्त विकार दूर ले जाती है। हर एक अभ्यास के बाद